यहाँ एक आदमी आ रहा है, बोल रहा है सर मैं आपके साथ में हूं, मिलके काम करेंगे। मेरे को शक हो रहा है, और शक वही आदमी करता है जिसके अंदर खुद पे अपने आप पे भरोसा नहीं होता। मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, और मेरे साथ जो लोग आएंगे वो भी सही है, और ईश्वर मेरे साथ में है, मेरे साथ अच्छा ही होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। पत्थर दो ही थे, कारीगर एक था। पहले एक पत्थर को लिया और उसमें छेनी हथौड़ा मारना शुरू किया। पत्थर बड़ा समझदार पोस्ट ग्रेजुएट बोलता है, एक्सक्यूज मी सर, कारीगर साहब एक्सक्यूज मी, मैं ये नहीं कर सकता है, मैं ये नहीं झेल सकता। हेलो, आप ये कब तक छेनी हथौड़ा चलाएंगे? नहीं, हटाइए हटाइए। तो कारीगर क्या करेगा, ज्यादा चोट नहीं झेल पा रहा, उसके हिसाब से उसको रख दिया कि तेरे स्थान पे तुझे लगा देंगे। दूसरे पत्थर को चुना कारीगर की, उसने लगातार छेनी हथौड़े की चोट झेली, मूर्ति का रूप लिया, और मूर्ति बनाने के बाद उसको मंदिर में स्थापित किया। उसके बाद नंबर उसका था जो एक्सक्यूज मी वाला था, बोले यार इसको भी कहीं ना कहीं सेट तो करना है, जगह समझ में नहीं आ रही थी, मूर्ति के सामने ही लगा दिया, चबूतरे पे फिट कर दिया। मंदिर का उद्घाटन हो गया और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, लाइन लगा करके श्रद्धालु आने लगे, और हाथ में नारियल था। सोच रहे हैं ये नारियल तोड़े कहां, तोड़ा तो है नहीं, सामने चिकना पत्थर है, और लेकर के धड़ाम दूसरा आया, धड़ाम। अभी पत्थर सोच रहा है कुछ दिन कारीगर की चोट झेल लेता तो ये जिंदगी भर नारियल नहीं टूटते मेरे ऊपर। कारीगर की चोट झेलना बढ़िया है, जिंदगी भर नारियल तोड़वाने। जो अपलाइन के रेडार से बाहर जाते हैं ना पड़ोसी, इधर उधर के तमाम नारियल उन पर टूटते हैं। याद रखना, मूर्ति बनने में फायदा है, चबूतरे में लगने में कोई फायदा नहीं है।